அந்த இஸ்லாமியர்களை தேசிய விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கு பெறாதவர்கள் குறிவைத்து வேட்டையாடுவது. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं श्रीकांत शिंदे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर. ये बिल, जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल. क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी. मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं. यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब भी सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुलजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था. तभी इनको पता नहीं था, इनको याद नहीं आया. तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया. तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया. लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है. मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है. मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानों को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया. इन्हीं कारण और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी. मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है. यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ सर खत्म कर रहा चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी. एक तो ये जो वक्फ है वो थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में. वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है. और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए. इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं. मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें, और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, काम करें. धन्यवाद. ये बहुत ही एक नाजुक विषय है, और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले. जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले. ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं, और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए. यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है. हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्य बद्ध है वो दान करना चाहते हैं. इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए. और आज ये बिल
विश्वासजनक नहीं है, क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज